नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार, टीवी नाइन भारतवर्ष डिजिटल में आप सभी का स्वागत है। ऑटो एक्सपो में हम आ चुके हैं दोस्त। कुछ नई चीज़ें जो आने वाली है कुछ दिनों में वो यहां लॉन्च हो रही हैं, खासकर ऑटो कंपनियां जो हैं, बहुत कुछ जो हिंदुस्तान के बाज़ार में जो आम जनता की जो डिमांड है उस डिमांड को देखते हुए इस वक्त मैं कहाँ आया हूँ बताऊँ, गोदावरी। इनके जो अलग अलग जो सेगमेंट्स हैं उन सेगमेंट पर हम चर्चा करेंगे। इब्लू रोजी के नाम से इन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो नए सेगमेंट क्या क्या लेकर आए हैं उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि इसके बारे में हम बात कर रहे थे कि भैया ये है क्या, इसको आप देख के आप ये महसूस कर गए होंगे भैया ये ऑटो ही है, और ऑटो में जो चढ़ने वाले हैं उनके लिए क्या खास रहेगा वो भी हम जानेंगे। इस कंपनी की हम चर्चा कर लेंगे कि इसलिए करेंगे कि भैया अपने देश में ये कंपनियाँ अगर सब कुछ बना रही है तो कैसे इनके लिए कॉम्पिटिशन कैसे रहा और चैलेंजेस क्या क्या रहा। आप अपना जरा नाम बताएं हमें। मेरा नाम हैदर अली खान है। हैदर भाई, आप ये बताइए कि आप इसके अभी स्पेसिफिकेशन की हम चर्चा कर रहे थे, फीचर्स की चर्चा कर रहे थे, जो वॉल्वोज और दूसरे जो बसें हैं उनके कुछ पार्ट्स जो बनाए जाते हैं उसके तरीके का आपने इसका इस्तेमाल किया, इसका रीजन क्या? देखिए, हमने एक मार्केट स्टडी किया कि ऑटो वालों को क्या चाहिए ईवी ऑटो में, तो उन्होंने तीन चीज़ का जिक्र किया। एक बोला कि हमको सेफ चाहिए गाड़ी, दूसरा बोला कि कंफर्टेबल होना चाहिए, और थर्ड बोला कि उसका परफॉर्मेंस हमको कमाई दे। अच्छा। तो इन तीनों चीज़ को लेके हमने ये गाड़ी को बनाया। अच्छा। तो अगर आप देखेंगे कि तो इसके अंदर हमने स्टील सुपरस्ट्रक्चर लगाया है जो कि हाई इंपैक्ट स्टील है, जिससे कि कुछ भी हो तो ड्राइवर को कुछ नहीं होगा, पैसेंजर को कुछ नहीं होगा। इसके ऊपर हमने ये DCPD मटेरियल लगाया है जो इंडिया में पहला ऑटो है या थ्री व्हीलर बोले या कोई भी सेगमेंट बोले जिन्होंने कंप्लीट व्हीकल इस मटेरियल से बनाया है। ये मटेरियल अभी तक सिर्फ हाई एंड वॉल्वो, बेंस, आइशर, इनके ट्रक्स के बम्पर या केबिन में यूज़ होते थे। तो ये जो मटेरियल है लाइट वेट प्लास्टिक है और इट इज़ अ वेरी हाई इम्पैक्ट प्रूफ। ये है, इस पर कितना भी इम्पैक्ट लगेगा टूटेगा नहीं। ये बहुत बढ़िया बात। शरद जी हमारे साथ होंगे, शरद अग्रवाल, इनकी शक्ल को देखते हुए मेरे दोस्त, ये TV9 भारतवर्ष में ही और एज ए एक्सपर्ट जो हैं ऑटो सेक्टर को, बल्कि नहीं ऑटोमोबाइल सेक्टर को देखते रहे हैं। तो शरद जी, मैं हैदर जी से कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। जैसे कि एक ऑटो वाले के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि उससे उसकी इनकम क्या होगी या उसकी रनिंग कॉस्ट क्या होगी। तो आप मुझे ये बताइए कि इस ऑटो के साथ आप सिंगल चार्ज में ये कितना चल सकता है, पर किलोमीटर एक ऑटो वाले को कॉस्ट क्या पड़ती है, उसकी कितनी यूनिट बिजली खर्च होती है इसको चार्ज करने में, और कितने घंटे में ये फुल चार्ज कर सकता है। पेट की जो सबसे आग है ना वो बुझाने की, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा परेशान वो इसी के लिए रहते हैं। 15-20 हज़ार तो हम उनका इंस्टॉलमेंट पे कर देते हैं, फिर उनके पास कुछ बचता नहीं है। तो आपके सभी सवाल का जवाब ये है कि हमने इसके अंदर 200 AH का लिथियम आयन बैटरी दिया है जो कि 7 घंटे में चार्ज होगी और 6 यूनिट वो एक चार्ज में लगेगा उसको पूरी 0 to 100 चार्ज होने में। ये गाड़ी आपको एक चार्ज में 130 किलोमीटर ऑन रोड देगी, जो कि हमको जो टेस्टेड आया है ARI से वो मिला है 167 किलोमीटर, पर हम बोल रहे हैं। तो आपका अगर आप देखिएगा जो यूनिट कॉस्ट है और जो उसको जितना किलोमीटर एक चार्ज में चलेगी, आपको बिलो 50 पैसा पर किलोमीटर ऑपरेटिंग कॉस्ट इसमें मिलेगा। तो इसका जो प्राइस रेंज है वो किस रेंज में जाएगा? हाँ, वो सबसे बड़ा मैटर कर रहा है। देखिए, आज जो भी इस सेगमेंट में कंपटीशन है हम उनके साथ ही कंपेटेबल हैं। हमारा ये जो हम लॉन्च करने वाले हैं 3,39,999 में हम ये लॉन्च करेंगे और इंक्लूसिव ऑफ फेम, मतलब सब्सिडाइज रेट के बाद ये जी 3.40 आप बोलिए। हाँ, ओके। मार्केट में ऑलरेडी महिंद्रा का ट्रियो ऑटो है, तो उससे आप कैसे कम्पीट करेंगे? देखिए, हम लोग जैसे आपको बताया कि एक फीचर दिया है लुक, सेफ्टी, कंफर्ट का, इसके अलावा हमने रियर में इंडिपेंडेंट सस्पेंशन लगाया है। इंडिपेंडेंट सस्पेंशन इज में जो कंफर्ट मिलता है वो कार टाइप कंफर्ट मिलेगा, और दोनों व्हील्स इंडिपेंडेंटली ऑपरेट होने की वजह से आपको कभी भी ओवर टर्न करने का चांसेस नहीं होंगे। बहुत बढ़िया। ये बाजार में कब लेकर पहुंच रहे हैं? ये हम लॉन्च करेंगे इस 12 तारीख को, कल। अच्छा, कल ही लॉन्च करें जी। चलिए, बहुत बढ़िया बात, 12 तारीख को ये लॉन्च हो जाएंगे। शरद भाई आपको बहुत कुछ बताएंगे क्योंकि शरद भाई एक्सपर्ट हैं ऑटो के ही, और तमाम सारे। सबसे पहले इन्होंने सवाल किया भैया हमारे 50 पैसे किलोमीटर पड़ेगा या 1 रुपये किलोमीटर पड़ेगा, ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है। शरद भाई,
क्योंकि हम जब उस सेगमेंट को देखते हैं तो देखिए अभी पेट्रोल का और डीजल का रेट जिस तरह बढ़ रहा है, सीएनजी का रेट भी लगभग लगभग पेट्रोल के बराबर आ गया है, तो अब सीएनजी ऑटो में भी चलाना फायदे नहीं है। तो इसलिए अगर ये 50 पैसे पर किलोमीटर पड़ता है तो एक तो ऑटो वाले की इनकम बढ़ेगी, प्लस अभी जो सीएनजी के ऑटोज है वो ब्लैक में मिलते हैं बहुत ज़्यादा, तो उसमें जो नॉर्मल ऑटो 3 से 4 लाख रुपए का होता है वो उसको पड़ता है 5 से 6 लाख रुपए का। अगर इलेक्ट्रिक ऑटोज मार्केट में आते हैं तो वो ब्लैक मार्केटिंग वाला सिस्टम खत्म होगा और उससे ऑटो वालों की इनकम बढ़ने के चांसेस, यानी उनकी चांदी हो सकती है। और खासकर दिल्ली की हम चर्चा कर लेते हैं कि दिल्ली के आसपास जो ऑटो वाले हैं वो बहुत बेहद परेशान है, परेशानियों के पीछे बड़ा कारण है, बहुत बड़े सारी चीज़ें हैं। तो ये जब लॉन्च होगा, एक चीज़ और कुछ कहना चाह रहा जी बताए, मैं ये एक और चीज़ मेंशन करना चाहता हूँ कि इस गाड़ी को हमने टॉप वेंडर से के पार्ट से बनाया है, इसीलिए हम इस गाड़ी पे 3 इयर्स और 80,000 किलोमीटर का वारंटी देंगे आपको। बहुत बढ़िया, तो क्योंकि 3 साल तक के लिए सुकून से रहिए ना, उसके बाद आपकी कमाई भी बढ़ेगी ना, तमाम सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो वाकई में आपको फ़ायदा होगा। कैमरामैन खड़क सिंह के साथ मैं सुमन कुमार, TVN भारतवर्ष के लिए।